Assalamualaikum everyone. So this is me Aashna Khan and I hope you all are doing good. So मैं आज आप सब लोगों के साथ अपनी एक फेवरेट बुक शेयर करने वाली हूँ. So basically ये जो बुक है ये आप तब पढ़ सकते हैं जब भी आप लो फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड हो या एंजाइटी इश्यूज हो, क्योंकि इसके वर्ड्स इतनी होप देते हैं कि यू विल बी इन लव विद दिस बुक एंड ऑल्सो यू विल फील बेटर. सो लेट मी शो यू द बुक. द बुक इज डोंट बी सैड. I'm also in love with the name of this book and trust me ये worth buying है. ये आपको Amazon पे easily available हो जाएगी. मैंने भी वहीं से लिया and yes मैं इतने time से इसे पढ़ रही हूँ तो मुझे लगा कि इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, so मैं आप सबके साथ share करूँ. So let's get started with the video. इसमें कुछ 3 चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो हम अपनी लाइफ में ले आएंगे तो इंशाल्लाह ना हम डिप्रेस्ड फील करेंगे और ना ही हम लो फील करेंगे एंड यू नो वी विल बी लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड अमेजिंग लाइफ. सो नंबर 1 इज वन शुड हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद अल्लाह बाय वर्शिपिंग हिम एंड टर्निंग टू हिम व्हेन इन हार्डशिप और इन ईज. मतलब एक इंसान की रिलेशनशिप सबसे पहले तो अल्लाह के साथ बहुत क्लोज होनी चाहिए, एक दोस्ती वाली होनी चाहिए और सिर्फ मुश्किलों में ही नहीं बल्कि आसानी में भी अल्लाह ताला के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्योंकि उसको फिर ना मुश्किलें लगेंगी और आसानी में तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन एवर हैव, ट्रस्ट मी. एंड नंबर 2 इज वन मस्ट क्लोज द फाइल्स ऑफ द पास्ट, एपिसोड्स ऑफ द पास्ट. सो आज हम कितने लोग देखते हैं ऑलमोस्ट सभी पास्ट में उलझे रहते हैं. मतलब जो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है और जो गुजर गई हैं, उसके बारे में ओवर थिंकिंग से क्या फ़ायदा. ऐसे करने से क्या होता है कि हम अपना प्रेजेंट भी बेकार कर देते हैं और फ्यूचर पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हमारा प्रेजेंट पे ही फोकस नहीं होगा, जब हम अपने आज को ही सही से नहीं जी पाएंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे खूबसूरत होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी कि वो अपने कल से, अच्छा हो या बुरा हो जो भी हो, उससे निकले, मूव ऑन करे और अपने आज पे अच्छी तरह से फोकस करे, क्योंकि हमारा आने वाला कल हमारे आज पे ही डिपेंड करता है. एंड नंबर 3 इज वन शुड लीव द फ्यूचर अलोन, whatever has yet to come from the world of the unseen, therefore it should be left alone until it comes. More particularly, one should avoid being preoccupied with predictions and expectations. Life should be lived within the boundaries of today. It means के ना सिर्फ पास्ट की टेंशन्स में और उलझनों में रहना बल्कि फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा सोचना गलत है, क्योंकि ये चीज़ भी हमारे हाथ में नहीं है कि आने वाला कल क्या होगा, कैसा होगा और ये चीज़ें कैसी होंगी. इस बारे में सोचना, एक्सपेक्टेशंस रखना या प्रिडिक्ट करके टेंशन में रहना, ये सब बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह ताला ने लिखी हुई हैं. सो अल्लाह की मर्ज़ी से जिस भी हिसाब से होंगी इंशाल्लाह बेहतरीन होंगी. हमें क्या करना है, सिर्फ अपने आज में रहना है और आज पे काम करना है, क्योंकि जब हम अपने आज पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा आने वाला कल खुद ही बहुत खूबसूरत होगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी. सो प्लीज़ पास्ट में या फ्यूचर की टेंशनों में मत उलझें, मत ओवरथिंक करें, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं. एंड उसके बाद हैं मेरी कुछ फेवरेट लाइन्स. हैविंग लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस फॉर दिस वर्ल्ड, फॉर इट मेक्स वन फॉरगेट हिज ट्रू पर्पस. और उसके बाद कुरान की एक वर्स है, And they thought that they would never return to us. मतलब कि आज के टाइम में लोग भूल ही गए हैं कि उन्हें मरना भी है, अल्लाह ताला का सामना भी करना है और आखिरत भी कोई चीज़ है. मतलब इतना दुनिया 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 के ये भूल ही जाना कि असल मकसद हमारा अल्लाह है. हाँ ठीक है, हमें कमाना भी है, फैमिली के लिए चीज़ें करनी है, सेटल भी करनी है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा उलझ जाना कि यही भूल जाना कि हमें मरना भी है. जहाँ हमें हमेशा हमेशा रहना है, आखिरत वहाँ के लिए हमारी क्या तैयारी है. हम बस दुनिया की ही चीज़ें कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन आखिरत के लिए हमने क्या कमाया है. अगर हमने यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल भी गई, सब मिल भी गया और अल्लाह को खो दिया, तो क्या ये चीज़ें इतनी वर्थ हैं कि हम अल्लाह को खो दें? नहीं ना. तो प्लीज़ अपने आज पे अगर हमें काम करना है तो हमारा फ्यूचर खूबसूरत होगा, राइट? सो हमारा फ्यूचर सिर्फ इस दुनिया का थोड़ी है, आखिरत का भी तो है ना, और वही मेन है. तो हमें अपने आज में अपनी दुनिया के लिए भी थोड़ा काम करना है और आखिरत के लिए भी। तो तभी हमारा दुनिया का भी फ्यूचर अच्छा होगा और आखिरत का भी। अगर हम इस तरह से चलेंगे कि हम अल्लाह ताला पर यकीन करें और अपने आज पे काम करें, फोकस करें, मूव ऑन करें, तो इंशाल्लाह ना हम डिप्रेस्ड फील करेंगे और ना हम लो फील करेंगे। बट ज़रूरी ये है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में हो, तो हमारी दुनिया भी और आखिरत भी बहुत बहुत खूबसूरत होगी इंशाल्लाह। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप मैं ज़रूर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझा पाई होंगी, कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिली होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स ऑलवेज एंड जज़ाकल्लाह खैर।